तो हमारा जो अब अगला टॉपिक है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि कोई भी बॉडी उसकी चेंज इन डायमेंशन को अगर हम उसकी ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड कर देते हैं या फिर उसके ओरिजिनल डायमेंशन और चेंज इन डायमेंशन का एक रेशियो वो होता है हमारा स्ट्रेन। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी हमने बॉडी ली, ओके देखता हूँ मैं यहाँ पे ये मार्कर चल पाएगा या नहीं। ओके हम यहाँ आते हैं, मान लो हमने कोई भी एक बॉडी ली, इस बॉडी पे हमने स्ट्रेस लगाई, ओके वन टू, इसको सेंटर कंसीडर कर लेना, ओके ये हमारी हो गई पी और ये वाली डायमेंशन भी हो गई पी, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये बॉडी है इसकी शेप एलोंगेट करने लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे हमने देख लिया, ये बॉडी अपनी पुरानी ओरिजिनल शेप से यहाँ एलोंगेट कर गई, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे एलोंगेट करेगी तो कुछ इसकी ओरिजिनल डायमेंशन भी होगी, ठीक है। तो इसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन थी हम सपोज करते हैं वो इतनी थी, क्या सिस्टम, ठीक है। इसकी मान लेते हैं हम ओरिजिनल डायमेंशन इसकी ओरिजिनल डायमेंशन ये थी। अब इसकी जो चेंज इन डायमेंशन हुई है, मान के चलते हैं हम यहां से यहां तक ये डेल्टा पी में चेंज हुआ है, तो इसका जो रेशियो आएगा और इसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी हमारी वो मान लेते हैं एल थी, ठीक है। इस जगह मैंने डेल्टा पी ले लिया है, चाहे तो मैं इसे एल कंसीडर कर लेता हूँ, डेल्टा एल। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रेन का रेशियो आएगा, स्ट्रेन विल बी डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल, ये आएगा, ओके। इस जगह पे इस वाले फॉर्मूले पे प्लीज मत जाना, ये पता नहीं क्यों लिख रखा है, ठीक है। एक्चुअल में जब हम डेफिनेशन पे जाएंगे, चेंज इन डायमेंशन जो कि ये रही टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ओके, तो ये गलत है। इसके अलावा आता है टेंसाइल स्ट्रेन, लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूँ। अब हमने जैसे यहाँ पे देखा कि स्ट्रेस हमारी जो है वो दो तरीके से लग सकती है। इस केस में हमारे पास क्या होगा, एलोंगेशन होगा, इस केस में हमारे पास होगा कंप्रेस, ठीक है। तो जब भी कंप्रेस होगा हमारे स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, जब भी एलोंगेट होगा हमारे स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ओके।